दोस्तों का पीआरडी क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग बाघों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह बाघों की रक्षा के लिए मनाया जाता है, मतलब हर साल 29 जुलाई को बाघों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और यह 2010 से प्रत्येक साल मनाया जाता है, 2010 से प्रत्येक साल मनाया जाता है। यह फैसला रूस के सेंट पीटरबर्ग में लिया गया था, रूस के सेंट पीटरबर्ग से लिया गया था, सेंट पीटरबर्ग में यह फैसला लिया गया था कि 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो लॉन्च किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था 1973 में। अगला प्रश्न है कि भारत में वैश्विक बाघ के संख्या का कितना प्रतिशत निवास करते हैं, मतलब पूरे विश्व में जो बाघ पाई जाती है उसके कितने प्रतिशत बाघ भारत में निवास करती है। तो निवास करती है 60%, पूरे विश्व का 60% बाघ इंडिया में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि आईयूसीएन की किस सूची में बाघ को रखा गया है। तो इसे संकटग्रस्त सूची, लाल सूची में रखा गया, मतलब रेड लिस्ट में बाघों को रखा गया है, आईयूसीएन की सूची में। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, त्या काम करता है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सर्वाधिक बाघ किस प्रदेश में है। तो इस समय मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ की संख्या है, उसके बाद कर्नाटक में है, उसके बाद उत्तराखंड में। यानी कहें तो पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पे उत्तराखंड है जिसमें बाघ रहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टेट्स ऑफ टाइगर इन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या लगभग है, मतलब स्टेट्स ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों की कुल संख्या भारत में कितनी है। तो है 2967, 2967। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में कौन सी संस्था या कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है बाघों की गणना के लिए। तो किया जाता है स्टेट्स ऑफ टाइगर इन इंडिया रिपोर्ट। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल टाइगर रिजर्व है, मतलब भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में। तो कुल भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व हैं, मतलब भारत में किस प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में समान संख्या में टाइगर रिजर्व है, यानी कि यहाँ पे उपरोक्त तो दोनों सही है, यानी कि मध्य प्रदेश में भी 6 टाइगर रिजर्व है और महाराष्ट्र में भी 6 टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि 2014 की तुलना में बाघों की कुल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मतलब जो 2018 में रिपोर्ट आई है तो 2014 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। तो कुल 33% की वृद्धि हुई है, मतलब 2014 की तुलना में 2018 में कुल बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है कि बाघ का वैज्ञानिक नाम है, मतलब बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथर टाइग्रिस है, पैंथर टाइग्रिस है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यानी कि यहाँ पे दोनों सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर सैलम टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है, नागार्जुन सैलम टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है। तो यह है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर
है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह भारत के तेलंगाना राज्य में है, तेलंगाना में अमराबाद टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि दुधवा कटनी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो दुधवा कटनी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। दुधवा कटनी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि ओरंग टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो ओरंग टाइगर रिजर्व असम में है। कहाँ पे है? असम में है। अगला प्रश्न है कि कामलांग टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो कामलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में कामलांग टाइगर रिजर्व स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो यह है उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, यह किस संविधान के अनुच्छेद में कहा गया? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 48 क में यह कहा गया है। अनुच्छेद 48 क ये कहता है कि राज्य या देश का कोई भी पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य वन्य जीवों की रक्षा करेगा और करने का प्रयास भी करेगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 48 क को राज्य नीति के निदेशक तत्व में जोड़ा गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि अनुच्छेद 48 क किसका भाग है? तो राज्य नीति निदेशक तत्व का भाग है। फिर से पूछेगा कि अनुच्छेद 48 क में क्या कहा गया है? तो मतलब वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा, देश या राज्य में है उसकी रक्षा करने के बारे में कहा गया है। अभी हम देखे हैं तो यह जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। और यहाँ पे और टाइगर रिजर्व है जैसे पेंच है, सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत भी है यहाँ पे, तो सतपुड़ा है, पन्ना है, बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ है, फिर से यहाँ पे संजय डुबरी टाइगर रिजर्व है। मतलब यहाँ पे कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, बांधवगढ़ और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है और देख लीजिए महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र में है नवे गांव है, नवे गांव है, फिर से नवे गांव नागजीरा, नवे गांव नागजीरा है, फिर से तडोबा, तडोबा अंधेरी है, तडोबा अंधेरी है, तडोबा अंधेरी है, पेंच यहाँ पे भी है, पेंच महाराष्ट्र में भी है, फिर से मेलघाट है। अगर मेलघाट पूछा जाता है कहाँ पे है, तो मेलघाट महाराष्ट्र में है, टाइगर रिजर्व है मेलघाट, फिर से सह्याद्री एवं बोर टाइगर रिजर्व है। सह्याद्री है, सह्याद्री है और बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।